गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो है ब्लिंक और बीटीएस आर्मी के लिए। सो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी करना। तो मैं बनाने वाली हूँ आज की चेन। तो पहले ब्लैक पिंक से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया यहाँ पर क्ले और क्ले को ऐसे मैंने राउंड राउंड करके इस तरीके से बॉल बना लिया है। बात करिए गाइस कमेंट बताना आपको मेरा ये नेल आर्ट कैसा लगा। मैंने अभी ये बीटीएस का नेल आर्ट ट्राई किया ऐसे ही टाइम पास में। हमें क्या करना है, इस बॉल को हमें अच्छे से प्रेस करना है जेंटली। हम इसे रोटी की तरह बेल नहीं सकते बिकॉज ये साइड से क्रैक हो जाएगा। मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। आपको इसको जेंटली प्रेस करना है। आप इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें एक होल करना है जिसमें हम की रिंग अटैच कर सके। तो मैं इस तरीके से इसमें होल कर दूंगी। एंड गाइस इसके बाद इसका मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट कलर करना है। सो ये ब्लैक पिंक की किचन है तो एक साइड मैं पिंक कलर करूंगी और एक साइड ब्लैक कलर करूंगी। तो अभी मैं ये ब्लैक कलर कर रही हूँ। बाय द वे गाइस जो जो भी ब्लिंक है ना वो फटाफट से आगे वीडियो को लाइक कर दो और जो आर्मी है बीटीएस आर्मी वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शूट आउट के लिए कमेंट करना मत भूलना। अंडरस्टैंड? फटाफट से कलर कर दे। अब इसके बाद हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो इसके आफ्टर ड्राई होने के बाद अब इसके ऊपर तो वैसे हम गैसो चढ़ाते हैं लेकिन मेरे पास एक जुगाड़ है। मैं इसके ऊपर फेविकॉल चढ़ा रही बिकॉज गैसो बहुत महंगा मिलता है। अब ये तो बहुत महंगा ही होगा। तो हम इसके ऊपर फेविकॉल चढ़ा रहे हैं और गाइस जुगाड़ आपका जो है 90% काम करेगा। तो बस एक बात का ध्यान रखना कि मैंने जैसे कि ब्लैक वाला है तो अभी मैंने ब्लैक वाला पार्ट कंप्लीट किया। अब मैं बस ब्लैक वाले में फेविकॉल की कोटिंग कर रही हूँ। फिर पिंक वाले में हम अलग से करेंगे। अगर आप इसे साथ में करोगे ना तो वो कलर फिर मिक्सअप हो जाता है। तो इसलिए आप अलग अलग करके करना जैसे कि मैंने कर लिया। अब इसमें मैं लिख दूंगी ब्लिंक। सो मैंने यहाँ पर ब्लिंक लिख दिया है, ब्लैक पिंक का जो है मिक्सअप वर्ड ब्लिंक। और अब मैं इसमें कीरिंग अटैच कर दूंगी। सो ये यहाँ पर हमारी क्यूट सी प्यारी सी ब्लैक पिंक की किचन होके बन के हो चुकी है रेडी। और ऐसे ही बनाई है मैंने बीटीएस की। बीटीएस में मैंने सेम यही प्रोसेस किया। फेविकॉल में मैंने फेविकॉल जब लगाया तो उसमें थोड़ा सा आप देख सकते हो मार्वल इफेक्ट आया जो काफी अच्छा लग रहा था। ये थी आज की वीडियो। लाइक जरूर करना और ये थे शूट आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।